माय फाइनल मैसेज बिफोर 2020, टू लेट ब्रदर, यू लॉस्ट, बीजेपी हैज वन, वी आर हेयर एंड वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। आप कौन सी स्टेट से हो? मैं दिल्ली ब्रो, दिल्ली। अगला मंदिर यहीं बनेगा और फिर तुम लोग आओगे हमसे मिलने, भगवान जी से मिलने, पर हमें नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। अब हमें ट्रैवल का खर्चा नहीं निकालना पड़ेगा मंदिर जाने, ना 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 भाई ना। अब दुनिया आएगी, दिल्ली 7-0 बीजेपी, किसकी वजह से भाई, किसकी वजह से? लव फ्रॉम असम। ओ तू झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? क्यू सेक्स? तूने कहा गालियां, तेरे नाम में सेक्स है, और सेक्स गाली नहीं होती, बट लाइक आई नो तेरे को कुछ तो पता ही है, यू नो सम थिंग्स। चलो यार शुरू करते हैं, बातें तो होती रहेंगी, हम बैठे हैं। तो ध्रुव राठी फाइनल मैसेज बिफोर इलेक्शन, वी आर वॉचिंग इट आफ्टर, सो लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शंस खत्म हो चुकी हैं, कल इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, कौन कितनी सीटें जीतेगा ये कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ, वेल भगवान बुला लो मेरे को, लेकिन मैं जानता हूँ। मार्च 2024 में न्यूज 18 के ओपिनियन पोल ने बीजेपी लेड एनडीए को 411 सीट्स दी थी, उसी समय। ओके, आई हैव एन ओपिनियन अबाउट दीज एग्जिट पोल्स बीइंग ड्रास्टिकली रॉन्ग। इंग्लिश बोलना बंद कर रहा हूं मैं, ठीक है? मुझे पता है क्यों गलत आया था एग्जिट पोल, नॉट गोना लाइ, ब्रो डिड अ ग्रेट जॉब थ्रू आउट। राठी डिड अ अमेजिंग जॉब, आई मीन एज अ यूट्यूबर एंड एज अ, ओके, उसका जो भी बिलीफ है, चाहे हमसे अलग है या तेरे से अलग है या किसी से भी अलग है, इंसानों से अलग है, मतलब कुछ इंसानों से अलग है, अगर वो बिलीव करता है तो भाई टिका रहा और भाई करता रहा, विच इज गुड। समय इंडिया टीवी के सीएनएक्स ओपिनियन पोल ने इन्हें 399 सीटें दी थी। हाँ। अभी भी कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि 400 पार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत भी इसी 400 पार के नारे से करी थी। Who's gonna tell him? I have two conspiracy theories about this. लेकिन क्या है इस 400 पार का मतलब? ज्योति मिर्धा, अनंत कुमार हेगड़े, अरुण गोवल और लल्लू सिंह जैसे कई बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान सुनने को मिले जिससे ये अंदेशा होने लगा कि बीजेपी पूरे संविधान को ही बदलना चाहती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है। आई थिंक इंडिया इज शाइनिंग विदाउट 400 पार। आई टेल यू व्हाई। 400 पार नहीं हुए तो सारा बीजेपी आ जाता है ना, लाइक बीजेपी कंट्रोल्ड हो जाता सब कुछ, वो नहीं हुआ। एंड क्योंकि टफ फाइट है और अब सब कुछ ऐसे बटा हुआ है इन अ वे की दोनों है, तो हमने किसी एक को भी पावर में नहीं आने दिया पूरा, है ना? उससे क्या हुआ? और हमने एज इन वोटर्स ने, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई नो, बट व्हाट आई एम सेइंग माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो इसलिए क्योंकि अब हम उनके पीछे नहीं है कि आप हमारे देवता, नहीं, अब वो हमारे पीछे अगले 4 साल के लिए, क्योंकि अब दोनों को लग रहा है हमने दोनों के साथ वो किया है जो लड़कियां बेस्ट फ्रेंड के साथ करती हैं, हमने दोनों को होप दी है। अब तुम्हें पता है प्यार में पड़ा हुआ बेस्ट फ्रेंड जितने एफर्ट मारता है उतना कोई और नहीं मारता भाई, उतना बाई गॉड कोई और नहीं मारता। तुम जानते हो तुम हो वो बेस्ट फ्रेंड, आई एम सॉरी, ठीक है? हमने वही किया है, हमने एज इन वोटर्स ने, हमने दोनों को होप दी कि या ऑफ कोर्स वी लव यू बडी, एज अ फ्रेंड दो, एज अ फ्रेंड, या नो। तो अब अगले 5 साल जो एफर्ट मारे जाएंगे दोनों तरफ से, भला किसका होगा? स्पॉइल कौन किया जाएगा? सेम डेट 400 पार बैकफायर। आई थिंक इतना ज्यादा शोर हो गया कि इट बिकेम लाइक अ मॉक कि तू कैसे कर लेगा, काइंड ऑफ लाइक दैट, बट आई थिंक वी डिड गुड, आई थिंक एज वोटर्स वी डिड गुड। इन फैक्ट द ओनली सैड पार्ट वॉज सब ने वोट नहीं करा, सब बड़े ही घटिया, मतलब बहुत कम वोटिंग हुई, बट लिटरली वोटर्स ने यही करा, उसको ऐसे ब्रेड क्रम्स दिए, फ्रेंड जोन करा और अब बोला
अब सेवा कर भाई, सेवा करो, अगले 5 साल फिर देखेंगे कौन कौन बनेगा हमारा पति। इंडिया शाइनिंग वाला ओके, इंडिया शाइनिंग वॉज बीजेपी's कैंपेन स्लोगन ड्यूरिंग 2004 इलेक्शन विच बैकफायर्ड बीजेपी बैडली एंड दे लॉस्ट ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी। ओ सेम डिड, इट्स नॉट अबाउट स्लोगन यार, इट्स आई डोंट थिंक द स्लोगन वॉज द इशू, काइंड ऑफ इट वॉज काइंड ऑफ, क्योंकि हाँ ओके आई थिंक इट वॉज, बट आई थिंक द मोस्ट वॉज पीपल वर काइंड ऑफ सिक। ओके सॉरी, ध्रुव राठी की वीडियो पहले वो देखेंगे फिर हम बात करें। तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। बाद में बीजेपी ने इन बयानों से अपना मुंह मोड़ लिया, कई सारे नेताओं ने खुद ही क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन ये सब चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद हुआ। हमारा प्यारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक डिक्टेटरशिप ना बन जाए, इसकी चिंता मुझे काफी टाइम से सता रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक इंसान के बोलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ मेरे 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, 4-5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, लेकिन आखिर में मैं हूं तो एक यूट्यूबर ही ना। एंड आई थिंक इट ऑल्सो शोज यू जैसे इसने अभी भी कहा कि मैं डरा हुआ था इंडिया कहीं डिक्टेटरशिप ना बन जाए, और ये मैं एल्विश को भी पॉइंट दूंगा और ये मैं आई थिंक बीजेपी को भी पॉइंट दूंगा। जो मेरे को उनका एक पॉइंट सबसे गलत लग रहा था ना, कि ये लोग उसको बोले तू तो जर्मनी का है, तू तो जर्मनी में रहता है, तेरे को कुछ नहीं पता, दैट वॉज ट्रू, क्योंकि ये बाहर से देख रहा है, इसको लगा इंडिया डिक्टेटरशिप बनने वाला है, और हमें इंडिया में रह के भी लगा जो एनवायरनमेंट था, पर जो अब रिजल्ट आ गया अब हम रेट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। ब्रो बाहर से देखने से चाहे इंडिया के लोग लगते हैं कि यार ये तो मान गए होंगे बीजेपी की बात, ये तो मोदी कर रहे हैं, पर पीछे से बड़े चलाक है भाई। अब अगर तुम बाहर रहते हो ना, तुम पता नहीं कर सकते हम अगला क्या करने वाले हैं, विच इज सच अ गुड, आई डोंट नो, इट वॉज वियर्ड whatever happened, it was like I was like surprised कि हमने, क्योंकि डर ये भी होता है कि ये नहीं कि सिर्फ एक की तरफ ज्यादा चले जाए, डर ये भी था कि दूसरे की तरफ भी ज्यादा ना चली जाए, क्योंकि even Congress has not proved itself, इन्होंने भी अपना रेड ही पीटी है अपने टाइम पे, तो हम दोनों को भी बहुमत नहीं दे सकते। सो आई डोंट नो, इट वॉज गुड दो, इट वॉज गुड। अगर ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बोलूँगा, ऐसी चीज़ों पर वीडियो बनाऊँगा तो बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिलेंगी, लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, डेथ थ्रेट्स मिलेंगे। मैंने सोचा छोड़ो ये सब, मुझे एजुकेशनल वीडियोस बनाने पसंद है, वही बनाता हूँ, वही बनाने में मज़ा आता है, और क्या इन चीज़ों में पढ़ना। लेकिन फिर फरवरी के महीने में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रुका नहीं गया। चंडीगढ़ इलेक्शन फ्रॉड, देश के इतिहास में पहली बार एक प्रिजाइडिंग। चुप कर यार ध्रुव, क्या भाई मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, कोई प्रॉब्लम है मेरे क्वेश्चन में? कौन सा क्वेश्चन मेरे भाई, मैंने कुछ मिस करा क्या? प्लीज ट्रैवल विद सिमरन, हमें अपने क्वेश्चन की जर्नी पे लेके जाओ, हमें भी आपके क्वेश्चन से आंसर तक की दूरी ना अपनी, पर आई डोंट नो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन बताओ क्या था सिमरन, और इफ मे बी यू आर नॉट सिमरन, मे बी यू आर समवन एल्स हू इज ट्रैवलिंग विद सिमरन, आई डोंट नो, नॉट अज्यूमिंग। ध्रुव राठी कह रहे, सौरभ कह रहा है ये बेकार बातें हैं, फैक्ट नहीं है इसकी वीडियो में, देखते हैं, आई विल बी द जज ऑफ दैट। ऑल्सो मुझे ये पार्ट नहीं पसंद आ रहा इसका, पहले इसने एजुकेशनल वीडियो बनाई, फिर याद आया कि आपका दलाल हूँ, उसने पैसे आने लगे। अच्छा ठीक है सौरभ, ओ भाई ये लाइव चल रहा है और आप मेरे मैसेज देख सकते हो, भूल ही गया, कोई नहीं ब्रदर, खुल के मैसेज करो, पर मेरे पास मैसेज आ नहीं रहे शायद सारे, छोड़ो परे, हम ध्रुव की बातें सुनेंगे फिर उसकी गलतियां निकालेंगे। ऑफिसर वोटर फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया, सीसीटीवी फुटेज पर ये सब कैप्चर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने। सौरभ भाई ये फैक्ट नहीं है, मेरे भाई सौरभ खुद कहा कि यहाँ पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। ये एक घटना मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट थी, ऐसा नहीं था कि इससे पहले कुछ और नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें हो रही थी साथ साथ, मीडिया
ओके कैन आई से समथिंग, आई एम सॉरी, मैं बहुत रोकता हूँ वीडियो, अगर तुम लोग नए हो इस चैनल पे मैं रोकता हूँ क्योंकि ये रिएक्शन वीडियो है, तुम्हें पूरी वीडियो देखनी है तो जाके ध्रुव के चैनल पे देखो, मैं रोकता हूँ क्योंकि मुझे मेरी बातें बोलनी होती है। इसने बोला ये जो हुआ था ये इलेक्शन स्कैम जिसमें उस बंदे ने नोट पे ओ वोटिंग वाले पे लिख के दे दिया था एंड सब कुछ था, ट्रिगर पॉइंट था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उससे पहले से ध्रुव की वीडियो आनी शुरू हो गई थी? मेरे को गलत लग रहा है क्या? क्योंकि जितना मुझे याद है अभी हुआ है ये, तो रिसेंटली हुआ था लास्ट एक महीने में कुछ में, एक दो महीने में, और मेरे को लग रहा है ध्रुव की वीडियो आ रही थी जनवरी फरवरी से। मेरे को बता दो अगर मैं गलत हूं तो। का खरीदा जाना, चुनी गई सरकारों को गिराया जाना, MLAs की हॉर्स ट्रेडिंग, लेकिन इसे एक घटना के बाद मुझे सही में लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब तो बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो पहला डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, इस इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। मैंने ये नहीं सोचा कि इस एक वीडियो से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे बस ये लगा कि मेरे दिल में जो ओ भाई इतने सारे कमेंट आए मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। वाह क्या, सॉरी रुक जाओ कमेंट, कोई कुछ लिखेगा नहीं, रुक जाओ। यू आर रॉन्ग, पहले चंडीगढ़ इलेक्शन ड्रामा देन फर्स्ट। ओके ठीक है बट मुझे ऐसा मेंटली लगा, सॉरी दो मिनट मेरे को पढ़ने दो यार, मैं सब मिस हो गया। मेरी ना छोटी सी स्क्रीन है, गरीब सा लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप है, बेयर विद मी। ओके ये एल्विश का वीडियो का जवाब का फैक्ट है। अच्छा भाई तेरी वीडियो कल देखूंगा रिकॉर्डिंग, गुड नाइट। वेट सिमरन डोंट स्पैम, थैंक यू आदित्य भाई। PM स्टेटमेंट, मटन मुगल मंगलसूत्र मुजरे का स्टेटमेंट कितना सही है, PM पोजीशन का डिग्निटी कम हुआ या नहीं? यू आर रॉन्ग, पहले अच्छा ठीक है चंडीगढ़ में आपकी सरकार है तब भी ये ठीक है। ओके सौरभ ओके सो ऑल दैट शुरू करते हैं। चंडीगढ़ में आपकी सरकार है इसलिए ट्रिगर हुआ शायद, पर क्या वो गलत है ट्रिगर होना? क्योंकि जो तू एल्विश की वीडियो देख के आया सौरभ, दिस इज नॉट एन अटैक, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन, तू भी मेरे से बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बस प्यार से बोलियो, मैं भी प्यार से बोलूंगा, ठीक है ये डील है, हम सब प्यार से बात करेंगे इस चैनल पे, ये एक रूल है मेरा बस, और कोई नहीं। अगर गाली भी देनी है तो आगे जी और प्लीज लगा के देना, तो कंटिन्यूइंग मत देना। लेकिन जो एल्विश का पॉइंट था ना कि ये अपने फैक्ट्स देता है वो गलत हैं, वो आर्टिकल्स हैं, वो ये हैं, मुझे आई थिंक इसलिए ध्रुव की वीडियोस इतना रीच कर पाती हैं क्योंकि जो वो बोलता है ना वो सिर्फ आर्टिकल तक नहीं होता, वो मैंने देखा होता है न्यूज़ में, वो मैंने सोचा होता है उसकी वीडियो आने से पहले। जैसे ये इलेक्शन वाला मेरे लिए भी ट्रिगर पॉइंट था जब मेरे को लगा कि ओ ये क्या हो रहा है। ओके ध्रुव का ट्रिगर पॉइंट था कि मैं कुछ करूंगा इसके लिए, और मेरा ट्रिगर पॉइंट था भाई ये तो मस्त हो रहा है, ठीक है वो अलग बात है, पर ट्रिगर पॉइंट तो था कि हमने अपनी आंखों से विटनेस किया ये हुआ एंड वी वर लाइक व्हाट द फक। जब वीडियोस बाहर आती हैं हमें दिखती हैं और फिर न्यूज में नहीं दिखाई जाती तो बुरा लगता है, तब हमें इसलिए ध्रुव की वीडियो का फैक्ट सच लगता है। लोग बोलते हैं ध्रुव मैनिपुलेट करता है, पर जो वो करता वो हमने देखा वीडियो में, हमने देखा इंस्टाग्राम पे, उसके बाद ध्रुव की वीडियो आई, हमने पहले नोटिस करा, ध्रुव ने बस मेंशन करा उसके बारे में और डिटेल दी। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट मुझे लगा एल्विश का थोड़ा मेरे को, जो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ। बीजेपी ऑलवेज डू चीप टैक्टिक्स, यार इट्स नॉट चीप, इट्स पॉलिटिक्स, वो गलत है सही है जैसे भी है, वो टैक्टिक्स है, हम इतना किसी को ऐसे चीप चूप नहीं बोल सकते क्योंकि उनसे पहले वाली सरकारों ने भी करा है और ट्रस्ट मी आने वाली भी करेंगी, दिस इज अ फैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ एग्जैक्टली MP, जब हमें कुछ चीजें दिखती हैं जो सच है और फिर न्यूज में नहीं दिखाई जाती तो जब ध्रुव उनके बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि एटलीस्ट कोई तो दिखा रहा है, इसलिए हमें उसके फैक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं, रादर देन ये नहीं कि तुम तो ब्रेन वॉश्ड हो चुके हो, दैट इज अ थिंग जो गलत है। जो बात है वो सच्चे दिल से लोगों तक पहुंचानी है। जब ये वीडियो रिलीज हुआ तो मैं हैरान था देख कर कि 25 मिलियन व्यूज, उस समय शायद 20 मिलियन थे। ये बात साफ थी कि आप लोगों के अंदर भी वही फीलिंग थी जो मेरे अंदर थी, आप लोगों के दिल में भी वही चिंता आप लोगों को सता रही थी जो मेरे दिल में मुझे सता रही थी।
यही कारण है कि इतने सारे ध्रुव भाई आप ऐसे डायलॉग क्यों मार रहे हो? ध्रुव चिल चिल मेरे भाई चिल। लोगों ने इस वीडियो से रेजोनेट किया और इसे शेयर किया, लेकिन पता है क्या, इस वीडियो के बाद भी मेरा कोई इरादा नहीं था और ऐसे वीडियोस बनाने का। ये सिर्फ इत्तेफाक की बात थी कि इस वीडियो के आने के बाद दो और ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहला अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट किया जाना और दूसरा कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाना। कुछ लोग कहेंगे कि दोनों घटनाओं में गलती क्या हुआ, जो कानूनी प्रक्रिया थी सिर्फ उसे ही तो फॉलो किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जो एलिजिड लीकर स्कैम का केस था, किसके एलिगेशन के बल पर केजरीवाल को जेल में डाला गया था। एक ऐसा बंदा जिसकी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा डोनेट किया था बीजेपी, और कांग्रेस को सालों पुरानी छोटी सी बात की ऐसी सजा दी जा रही थी जिससे उनकी सारी चुनावी कैंपेन ही क्रिपल हो जाए। इस बात यह है कि मैं यह देखकर हैरान हो गया कि जो बात मैंने अपने पहले वीडियो में कही थी वो बात सच साबित होती जा रही थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से मुझे लगा कि कोई और कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लोगों को जागरूक करने की। लेकिन ये कोशिश एक पहाड़ okay. चढ़ने से भी मुश्किल थी, एक ऐसे दौर में जहां सभी टीवी चैनल्स गोदी मीडिया बन चुके हैं, हिंदी के ज्यादातर अखबार बिक चुके हैं, व्हाट्सएप माफिया तो लोगों के फोन में घुस चुका है, एक यूट्यूब चैनल क्या ही कर लेगा इन सब चीजों। रुक जा मेरे भाई। लेकिन फिर भी मुझे लगा कुछ फर्क पड़े ना पड़े अब बोलना जरूरी है। भगवत गीता का एक श्लोक ध्यान में आया जिसकी बात मैंने फर्स्ट वीडियो में भी करी थी, अध्याय 2 श्लोक 47, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाई ओ 2x करा, ध्रुव ने चुप होना ही बंद कर दिया। पीपल वर फेड अप विद गोदी मीडिया विद एवरी टॉक ऑन रिलीजन। हाँ आई थिंक सौरभ ने लिखा है ध्रुव राठी को वेस्ट बंगाल में कितने लोग मरते हैं, EVM उठा के ले जाते हैं, वहां के बारे में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहां ऑपोजिशन बीजेपी है। सौरभ फेयर फैक्ट, क्योंकि अगर कोई बंदा लाइक ध्रुव राठी कम्स इन एंड बी लाइक, मैं अब पॉलिटिक्स की बात करूंगा, देन तेरे को सारे पॉलिटिक्स की बात करनी पड़ेगी, और आई थिंक That is the wrong thing to do for him, क्योंकि इसी वजह से वो कई लोगों तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि अगर तुम सेलेक्टिव न्यूज दिखाते हो तो तुम गलत हो, बट जो ऑपोजिशन यानी ऑपोजिशन नहीं मतलब जो मतलब एलविश और इन सब ने बोला इसके बारे में वो गलत है, वो झूठे फैक्ट, वो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है, वो सेलेक्टिव टॉपिक्स कवर कर रहा है, जो गलत है वो सही बात है, पर वो लोगों ने बोला वो झूठ बोल रहा, वो झूठ नहीं बोल रहा। मैंने वो वीडियोज देखे हैं, तुमने वो वीडियोज देखे हैं, उसके आगे रिसर्च हम कर सकते हैं, वो बस उन्हें मेंशन कर रहा है। जो गलत है वो ये, जैसे इसने बोला कि वेस्ट बंगाल में लोग मर रहे हैं, वो क्यों नहीं कवर कर रहा, क्योंकि अगर तेरे अंदर ऐसे जागरूक हुई है इच्छाएं कि मैं अपने देश के लिए वीडियो बनाऊंगा, देन पूरा कवर कर, देन डू इट ऑल, फिर आधा मत कर, फिर उतना मत कर जितना तेरा मन करे, क्योंकि अगर तू ये कर रहा है देन इट्स योर ड्यूटी टू डू इट ऑल, क्योंकि अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया का ये जो भी रिजल्ट आया वोटिंग का, इसमें बहुत बड़ा हाथ ध्रुव का भी था, मैं नहीं मानता ये बात, पर अगर था देन ये ध्रुव की ड्यूटी बनती है कि वो हर चीज को कवर करे, क्योंकि अगर उसका इतना ही इम्पैक्ट है देन कवर एवरीथिंग, देन फिक्स एवरीथिंग, देन यू ही शुड कवर ऑल द फकिंग शिट हैपनिंग इन इंडिया जो मीडिया नहीं दिखा रहा, दैट्स इट। अगर लोग इतना तुम्हें प्रेस करे देन डू इट ऑल, सिंपल। वो उसका गलत है टू डू सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन वाला शिट कि मैं तो सिर्फ अपना मेरे को जो गलत लगता है मैं वो बताऊंगा, पर जिस बारे में अभी व्यूज नहीं आएंगे, जैसे इस टॉपिक पे व्यूज नहीं आने वाले थे तो उसने नहीं बनाया, एंड आई ओके दैट इज रॉन्ग। देन माफिया तो लोग, चलो ये देख लिया क्या हमने, हाँ ऐसे तूने बोला, कल हमारी यही बात हो रही थी पर लास्ट टाइम, ध्रुव की यूरी सर्जिकल स्ट्राइक वाली वीडियो देखो, उसमें इसने आर्मी के से सबूत मांगा स्ट्राइक या सच्चे देशभक्त होते हैं। मैंने वो वीडियो शायद देख, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं देख लूंगा, बट आई डोंट थिंक मैं उसकी लाइव स्ट्रीम करूंगा, क्योंकि देखो
अनलाइक ध्रुव राठी, मेरे अंदर कोई ऐसा देश को बचाने की इच्छा नहीं जागी है, क्योंकि मैं नहीं बचा सकता, सॉरी मैं इतना बचा सकता हूँ बस, ये मैं कर सकता था और मैंने किया, एंड आई मेड श्योर मेरे दोस्त करें, ये मैं कर सकता था मैंने किया। हम इधर व्यूज लेने आए हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं इधर मेरी फोटो मेरे थंबनेल में एल्विश और ध्रुव राठी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए, ठीक है? तो आई विल वॉच इट ऑफ कोर्स, सौरभ तुमने कहा है तो मैं देखूंगा, मे बी हम आगे किसी लाइव स्ट्रीम में उसकी बात करेंगे, बट श्योर क्योंकि फोन में घुस चुका है। एक YouTube चैनल क्या ही कर लेगा इन सब चीजों के खिलाफ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कुछ फर्क पड़े ना पड़े अब बोलना जरूरी है। भगवत गीता का एक श्लोक ध्यान में आया जिसकी बात मैंने फर्स्ट वीडियो में भी करी थी, अध्याय 2 श्लोक 47, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो, बोलने के लिए इतना अध्याय धोए गिनवाने की जरूरत नहीं थी। लाइक उसने सबसे बेसिक श्लोक लिया, उसने सबसे बेसिक श्लोक लिया भाई, कह रहा है। और मैंने बेसिक जब ये देखा तो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये भावना जागी जिसने मुझे याद दिलाया इस श्लोक के बारे में। ये श्लोक है, अध्याय ये, अध्याय वो, और ये पेज नंबर 4 में चौथे पैराग्राफ का दूसरा श्लोक है। क्या है श्लोक? कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। अरे सबको पता है, सीधा वहीं बोलना था ना, इतना घुमा क्यों रहा था बातें? बट ठीक है, ध्रुव राठी आपका चैनल, आप जैसे मर्जी बनाओ। मैं 15 मिनट की वीडियो को 10,000 बार रोक के बातें करता हूँ, सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है। Guy who is an atheist doesn't believe in idol worship, giving Srimad Bhagavad Gita reference and admiring it. Interesting. I mean, you don't have, I don't believe, bhai, I am an atheist. I believe in God though. So I'm not an atheist. Okay. मैं भगवान को पूजने में believe नहीं करता हूँ, मैं भगवान में believe करता हूँ, उनकी energy में और उनके, उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं उनकी कहानियों से, वो सब में मैं believe करता हूँ। बट आई लव एवरीथिंग, आई लव भगवद गीता, आई लव रामायण, महाभारत, आई एम रीडिंग राइट नाउ। तो मैं अभी गीता वाले पार्ट तक पहुंचा नहीं हूं, आई एम अबाउट टू रीच देयर, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कभी और बात करेंगे। बट आई ऑल्सो लाइक इट एंड आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों है ऐसा। लाइक वो तुम जब, जैसे जो भी है ध्रुव राठी जैसा भी है, वो पहला बड़ा तो इंडिया में ही है ना, तो तुम्हें थोड़ा अटैचमेंट हो ही जाता है इन सारे श्लोक लोग से। पर ये बहुत बेसिक श्लोक था, इतना बेसिक श्लोक के लिए डिटेल देने की जरूरत नहीं थी। फल के बारे में ऑब्सेस्ड होना बंद करो, क्योंकि उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। सिमरन, डू नॉट कॉल सौरभ पागल एंड ऑल, बी वेरी सिविल इन द कमेंट्स, बी सिविल, बातें करो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है एंड दैट्स ओके, जस्ट बातें करो, ठीक है, डिस्कशन करो, गुस्सा मत करो यार, गुस्सा तुम्हारे घर का क्या जा रहा है, तेरे घर का क्या जा रहा है कि ध्रुव को कोई कुछ बोल दे तो? चाहिए। मैंने भगत सिंह के बारे में सोचा जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। आदित्य तू किसकी टीम में है भाई? How hypocrite he called remind fiction, और अब उन्हीं के श्लोक। कर्म गीता वाला श्लोक महाभारत का है मेरे भाई, आई मीन महाभारत में गीता का चैप्टर है। आई डोंट नो, मैंने भी पहुंचा नहीं हुआ तक, मैंने जितना सुना है, क्योंकि मैं जब छोटा था मैंने तब सुना है सब कुछ, तो मेरे को याद नहीं है, तो आई एम लाइक रीलर्निंग आर माइथोलॉजी, बट व्हाट आई हैव सीन इज कि वो महाभारत के अंदर वो पार्ट आता है गीता वाला, विच इज बिटवीन करण, नो नॉट करण, बिटवीन कृष्ण एंड समवन, आई नो दैट, मुझे थोड़ा सा पता है पर गलत भी पता हो सकता है। क्या ये ख्याल? ओके, सो यू, तो यू आर एग्नोस्टिक भाई, आप मानते हो और नहीं भी मानते? नहीं नहीं, मैं मानता हूँ, मैं पूछता नहीं हूँ। मेरे को लगता है, मैं बिलीव करता हूँ कि बचपन से, जैसे मुझे अगर कभी भी कुछ चाहिए होता था, आई वुड नॉट प्रे टू गॉड, आई वुड टॉक टू गॉड, इट्स वेरी वियर्ड। जैसे मैं दो तीन चीज़ें मानता हूँ भगवान के बारे में जब आती है, एक भगवान हर जगह है, दूसरा भगवान सब देख सकते हैं, सब सुन सकते हैं, और तीसरा हर इंसान में भगवान है। ये तीन चीज़ें मेरे को मम्मी पापा ने बताई हैं, तो वो मेरे दिमाग में इनग्रेंड है, और आई थिंक मैं भगवान को उसी सेंटिमेंट से देखता हूँ कि वो एक तो हर इंसान में है, और दूसरा हर जगह मेरी हर बात सुन सकते हैं, मुझे कहीं स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस
सच्चे दिल से सोचना है और मेरी बात सुनी जाएगी और वो मेरी हेल्प कर देते हैं, तो इसलिए बस ये सब मैं मानता हूँ। उनके दिमाग में आया होगा कि मेरे फांसी पर चढ़ने का नतीजा क्या होगा, क्या वो इस चीज को सोच रहे होंगे कि जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो इसके बाद हमारे देश को आजादी मिल जाएगी, या सही में हमें आजादी मिलेगी, क्या मेरी कुर्बानी देने से क्या सही में अंग्रेज देश को छोड़कर चले जाएंगे, ये सब नहीं सोचा था उन्होंने। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी साल 1931 में, आजादी मिली हमें 1947 में, यानी आजादी में अभी भी 16 साल और लगने थे। वो इस बात को जानते थे कि अपनी जान की कुर्बानी देकर भी कोई गारंटी नहीं कि आजादी मिलेगी, और गारंटी तो छोड़ो उस वक्त कोई उम्मीद भी नहीं थी आजादी मिलने की, लेकिन फिर भी जो सही चीज थी उन्होंने वो करी। उनका फोकस बस सही कर्म करने पर था, अपना धर्म निभाने पर था। उन्होंने भी कभी फल की नहीं सोची। इस फोटो को देखिए, मैंने इस बंदे के बारे में सोचा जब सा इस ध्रुव राठी कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू फ्रीडम फाइटर्स, आई गेस नॉट, बट क्योंकि मैं एल्विश पे बहुत रफ था, आई एम गोना बी रफ ऑन ध्रुव राठी। होल्ड योर हॉर्सेस बडी, यू आर अ यूट्यूबर, ओके? देयर इज एन एक्चुअल लाइक अ यूट्यूबर फाइटिंग पुतिन in Russia, and that's freedom fighting. That's like him going all out, risking his life, but living in Russia. That's freedom fighting. Do not compare yourself to freedom fighters if you live outside. That's it. What you're doing is very good, great job, amazing. I watch your videos, I support you, but ye thoda zyada ho gaya, thoda zyada emotional ho gaya ye. Are Saurabh har cheez aise shameful, hurtful, गलत सही गलत ऐसे इतना डार्क, ऐसे ग्रे एरिया भी होता है बीच में कि वो बंदे ने गलत बोला है, उसने मतलब ऐसे शेमफुल नहीं है, जस्ट हम उसे बोल सकते हैं कि ओए ये मत बोल भाई, ये मत बोल ऐसे कर सकते हैं उसे। सारी भीड़ वहां पर हिटलर वाला नाजी सल्यूट कर रही थी, ये बंदा जिसका नाम था ऑगस्ट लैंडमैसर, ये हाथ मोड़ कर खड़ा था सल्यूट करने को राजी नहीं। एसिड कंफ्यूज हो गया भाई, नो एसिड अंडरस्टैंड्स, एसिड आदित्य एसिड इज उस जमाने की फोटो में इतना जूम कैसे हो रहा है, पहले मुझे ये बता इतनी डिटेल में। आई नीड आंसर्स, क्योंकि मैं अपनी बुआ की शादी मैं अपनी बुआ की बेटी की शादी की वीडियो में इतना जूम कर दूं फोटो में तो मेरी फोटो ब्लर हो जाती है। इस बंदे की फोटो में उसकी चेहरा कैसे दिखने लग गया इतना, ये देखना ज़ूम करके जरा इसका एक्सप्रेशन, ये कैसे हो रहा है सॉरी, देखो चेहरे पर कितने कॉन्फिडेंस के साथ रेजिस्ट कर रहा है, इवन दो ये इकलौता था वहां पर जो सल्यूट नहीं। हां एमपी, आई नो, आई एम जस्ट सी, आई वाज वेरी रफ ऑन एल्विश, आई अंडरस्टैंड नाउ, मैंने वो वीडियो दोबारा देखी, मैं फेयर हूं भाई, तो हम ध्रुव की भी लेंगे। सॉरी मेरे को जहाँ गलतियाँ या जहाँ मुझे कुछ दिखेगा ना पॉइंट, देखो मैं पॉइंट समझाता हूँ, कोई मेरे से नाराज़ नहीं होगा। देखो मैं तो कुछ बदल नहीं सकता, तो मैं कोई पॉइंट्स पे नहीं जा रहा। मैं जब किसी की भी वीडियो देखता हूँ, जैसे मैंने एल्विश की वीडियो देखी, तो मैंने ऐसे ही देखी कि मैं क्या जवाब दूंगा, कि अगर मेरे को इसमें गलतियाँ निकालनी हुई, मुझे कल को वीडियो बनानी पड़ेगी, तू क्यों गलत है, तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो हम वही सेम रूल हम ध्रुव के साथ करेंगे। ध्रुव से मैं एग्री करता हूँ कुछ हद तक, पर क्योंकि हमने एल्विश के साथ वैसा किया था, हमने अभी एंड नियो के साथ वैसा किया था, ध्रुव की बारी आ गई है भाई। अगर ध्रुव को बचना था तो वीडियो ना निकालता, बट नाउ ही इज इन माय रेडार, ओके, टू डेज लेट बट ही इज कर रहा था। क्या इसने ये करने से पहले सोचा होगा कि अगर मैं पूरी भीड़ में इकलौता बंदा हुआ जिसने ये वाला सल्यूट नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, मेरे एक अकेले इंसान के से ये सल्यूट ना करने से क्या हो जाएगा, हिटलर की तानाशाही खत्म हो जाएगी क्या अकेले बंदे से? इसने भी फल की नहीं सोची, इसने बस सोचा कि जो सही है मुझे वो करना है। इन्हीं चीजों से प्रेरणा लेते हुए मुझे लगा कि मुझे भी जो सही चीज है वो करनी चाहिए। देश के लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए आवाज उठाना, ये सही चीज है। एक ऐसे देश के लिए आवाज उठाना जिसके लिए पता नहीं कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। क्या ओ नो, इट्स गोना बी रफ, फैमिली प्लानिंग करनी पड़ी है, हैं? बट इफ यू सी ध्रुव इज बेटर एट रिप्लाइंग लॉजिकली, यस सिटीजन, ओ वाओ, तूने सिटीजन कितना कूल लिखा हुआ है भाई, सॉरी इट्स ऑलरेडी 1.5 आई थिंक, बट हाँ ध्रुव इज, तभी तो उससे मुश्किल है करना, एंड आई एंजॉय इट। मैं तो कलेशी हूँ, तो जितना मुझे मुश्किल मिलता है सामने वाला, मैं उतना ही कोशिश करता हूँ, मैं क्या गलती निकाल, मेरे को ज्यादा मजा आता है निकालने में। एल्विश वॉज ईजी आई थिंक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या सोचेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स देश की आज ये हालत देखकर? आदित्य, आई स्वेयर
ध्रुव लिटरली 1.5 में ऐसा लग रहा है नॉर्मल स्पीड पे बोल रहा है, वो ऐसे बात करता है, क्या सोचेंगे वो आज इस देश की ये हालत। भाई तेज बोल, टाइम नहीं है भाई, जल्दी कर, मेरी वोटिंग शुरू, मेरी वोटिंग का रिजल्ट आने वाला है, जल्दी कर। इसलिए मुझे लगा कि बोलना जरूरी है, अगर कल को ऐसा हुआ कि बीजेपी 400 सीट जीत गई और जो मेरा डर था वो सही में हकी। सिमरन वो गिल्टी है तभी तो जेल में है, कोर्ट पे बिलीव नहीं है क्या? सौरभ लेट्स नॉट गो देयर, यू विल बी प्रूवन रॉन्ग, आई एम सॉरी बट यू विल बी। दिक्कत बन गया, सही मायनों में देश एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन गया। तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की हालत देख, कि पापा आप कहां थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं? और मैं क्या कहूंगा कि मैं अपनी जॉब में बिजी था, मुझे इन सब चीजों की नहीं पड़ी थी, मैं बस अपने करियर पर फोकस कर रहा था, पैसे कमाने पर फोकस कर रहा था। लेकिन नहीं, अब मैं कह सकता हूं कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी थी, मैं आखिरी दम तक लड़ा था, शायद मेरी कोशिश नाकाम रही लेकिन मैं आखिर तक खड़ा रहा देश के लोकतंत्र। एमपी ब्रो ये क्या बोल रहा है, ये कहाँ चला गया, ऐसे ऐसे कह रहा है मैं ना इमोशनल कर दूंगा सबको, सबको इतना इमोशनल कर दूंगा ना। तुम कहाँ थे, कहाँ थे जब देश डूब रहा था? भाई हम घर बैठ के न्यूज देख रहे थे क्योंकि हम बढ़िया वोट करके आए थे और देश नहीं डूबा। मेरे बच्चे पूछेंगे भाई, मेरे बच्चे मेरे से ये नहीं पूछेंगे जब देश डूब रहा था आप कहाँ थे, मेरे बच्चे मेरे से पूछेंगे जब अयोध्या में जब मंदिर बना था, ये मैंने हिस्ट्री बुक में पढ़ा है पापा, अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये देखो इस साल अयोध्या में मंदिर बना, हाँ बेटा बना था उस साल, बना था हाँ, उसके बाद इलेक्शन में कैसे हार गए वो? बेटा देखो एक चीज़ होती है प्रैंक, मैं आपको बताऊँ, आप अभी छोटे हो पर एक चीज़ होती है प्रैंक, हाँ तो पूरे अयोध्या ने एक प्रैंक करा तेरी शादी ही नहीं होगी। पर्सनल क्यों हो रहा है भाई, पर्सनल हो रहा है मेरे से तू आते, ये क्या बात, हम हंस खेल रहे थे, खुश था मैं, अच्छा जोक मारा मैंने ऐसा मेरे को लगा। ध्रुव राठी पे चलो भाई, पर्सनल हो रही है बातें अब कमेंट में, पर्सनल हो गई भाई की आवाज उठाने के लिए। और पता है क्या, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ इसी कोशिश में देश के करोड़ों लोग और खड़े थे। पिछले एक दो महीने में रिलीज किए गए वीडियोस इतिहास के पन्नों में हमेशा एक सबूत बनकर रहेंगे। 21 मिलियन YouTube सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 70 मिलियन यूनिक व्यूअर्स पिछले 90 दिन में सिर्फ YouTube पर, इसके मायने समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 7% एलिजिबल वोटर्स को हमने सिर्फ इस एक YouTube चैनल के जरिए ही रीच आउट कर ली। आप ऐसे कई लोग सोचोगे हमारे इस मिशन 100 करोड़ का क्या रिजल्ट रहा, अब एक्चुअली मैंने कैन आई बी ऑनेस्ट, मुझे एक्चुअली यही नहीं पता ये मिशन 100 करोड़ था क्या, मुझे ये पता है कोई व्हाट्सएप ग्रुप था, ओ कम्युनिटी, मेरे को समझ नहीं आया था कि था क्या, मुझे बस ऐसा लगा कि उन्होंने बोल दिया 400 पार तो इसने बोला 1000 लाइक बीजेपी वाज लाइक 400 पार एंड ध्रुव दिस केम यू नो व्हाट मिशन 1000 एंड लाइक क्या भाई 1000 क्या बस मिशन 1000 क्या भाई। आफ्टर 7-8 मिनट्स ही स्टार्टेड, ओके आदित्य 400 पार कह रहे थे 300 भी नहीं हुआ, दैट इज अनफॉर्चुनेट एंड गुड फॉर अस, अनफॉर्चुनेट फॉर देम। सौरभ ट्रस्ट मी, जो भी रिजल्ट आया है तेरे लिए ये अच्छा है, तेरे को भी इतना ज्यादा, इन अगले 5 सालों में इंडिया काफी डेवलप होने वाला है एंड यू शुड बी रेडी, तेरे को दिखेगा कि यही परफेक्ट टाइम है। जब हम उनके लिए लड़ते हैं ना तो डेवलप नहीं होता देश, पर जब वो हमारे लिए लड़ते हैं ना, ओ उदित भाई आपको तो कॉन्टेक्स्ट, मेरे को एक्चुअली नहीं पता यार इसका, 1000 वाले का तो बिल्कुल नहीं पता मुझे, 1000 का तो बिल्कुल ही नहीं पता। हाँ दैट वाज द फनीएस्ट शिट आई मीन, हाँ तो अभी नहीं हुआ ना, अब अगले 5 साल होगा क्योंकि अब दोनों लोग डरे हुए हैं, ठीक है, जो इंडिया अलायंस है उनको है कि हमारे पास चांस है जीतने का, और जो बीजेपी है उसकी फटी पड़ी है, ये क्या हुआ। तो अब दोनों अपना बेस्ट करेंगे हमसे अटेंशन और हमसे अपना ट्रस्ट लेने के लिए, कितनी अच्छी बात है, दो लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, होता है ना दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, तो ये दोनों दुश्मन है और ये दोनों हमारे दोस्त हैं। अब नाप तोल कर ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों तक हम रीच आउट करें, ये जो स्टैटिस्टिक है ये सिर्फ YouTube की है, इसके अलावा Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, आप लोगों ने इतनी बात। सौरभ आर यू प्रो इंडिया
और आर यू एंटी ध्रुव राठी, क्योंकि यू आर सो फिक्सेटेड ऑन ध्रुव। भाई ध्रुव कुछ नहीं है, सौरभ ऐसे दिल पे नहीं लेते, ध्रुव एक इंसान है। आई स्वेयर ध्रुव दो चांटों में रो जाता है, आई स्वेयर मैं उसकी शक्ल देख के बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ यार, इतना दिल पे नहीं लेते उसकी बातों को। वो बंदा अपना जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है, ऐसे दिल उदास नहीं होते ध्रुव की शक्ल देख के। आर इन वीडियोस को शेयर किया, मेरा अंदाजा है कि कम से कम हम करीबन 20-25% वोटर्स तक तो जरूर पहुंचे होंगे, पर इस सब का क्रेडिट जाता है आप लोगों को। और इससे पहले कि यहाँ कोई नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस की स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूंगा। 80% से ज्यादा व्यूअर्स इंडिया से है। ये बात सच है कि कुछ परसेंटेज व्यूअरशिप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। ये एल्विश का पॉइंट आई थिंक है ना, ये एल्विश का है या अभी ये नियो का है, मैंने दोनों वीडियोस देखी है, मैं भूल गया। देश जैसी नेबरिंग कंट्रीज से भी है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग जो इन वीडियोस को देख रहे थे वो इंडियंस थे, या तो इंडिया में रहने वाले या इंडिया के बाहर रहने वाले। और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि पैसे बर्बाद करूंगा बॉट्स खरीदने में या फिर पेड कमेंट्स खरीदने में। तो जितने भी कमेंट्स okay. आपने वीडियोस पर देखे, जितने भी लाइक्स, जितने भी व्यूज आप वीडियोस पर देख रहे हो, ये सब के सब 100% असली लोग हैं। इस संघर्ष में जितनी कोशिश मैंने की है उससे कहीं ज्यादा कोशिश आप लोगों ने करी है। इसने बोला आप जितने भी कमेंट्स देख रहे हो वो सारे ओरिजिनल है। मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि आधे तो मैंने भी देखे हैं, चाहे हेट वाले हैं पर हैं, बीजेपी के तो बॉट्स हैं ही, वो तो मैंने देखे हैं। और अगर उनके हैं तो मैं मतलब इसने प्रूफ नहीं दिखाया कोई, पर कुछ ना करने का प्रूफ तो कुछ होता भी नहीं है। बट हाँ, वीक आर्ग्यूमेंट, हम इसको वीक आर्ग्यूमेंट देंगे, क्योंकि ये इसने सिर्फ बोला है कि मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा, ना तौबा, मैं कभी मैंने कभी कमेंट्स नहीं खरीदे। कुछ और बोल यार, कुछ और बोल। कमेंट मैंने देखा जिसमें आप में से किसी ने लिखा था कि आपने 850 लोगों को मेरा एक वीडियो फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप। एक आदमी की रिसेंटली वीडियो देखी जो क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर हमारे वीडियोस देख रहा था। कई सारे ग्राउंड इंटरव्यूज में मैंने लोगों के मुंह से अपना नाम सुना, ये देख कॉकरोच कहा, मैं आगे कर रहा हूं। किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा गोदी से, यही है पहुंच गए रिप्लाई पे पहुंच गए शायद। France 24, The Economist, Al Jazeera, Time Magazine, The Telegraph, The Print, Economic Times, दुनिया में अगर डंका किसी का बज रहा था तो वो हमारा बज रहा था दोस्तों। और अभी भी तुम्हारा ही बजेगा, पर अब डंका नहीं बजेगा मेरे भाई, अब कुछ और बजेगा तुम्हारा। Also, this sounded so wrong for मेरे को इतना गलत साउंड किया कि ध्रुव ऐसे खड़ा है। दोस्तों, अगर पूरे देश में डंका किसी का बज रहा था, क्या बज रहा था? डंका मेरे भाई। अच्छा, ओ हाँ, आपी का। यस। सब देखकर इनका गोदी मीडिया, इनके गोदी यूट्यूबर्स और आईटी सेल, पूरा गोदी सिस्टम बुरी तरीके से बौखला गया। जो हमले मेरे ऊपर इन्होंने किए, जो बदनामी करने की कोशिश करी इन्होंने, ये बात तो सच है भाई, अकेला खड़ा था। हाँ, अरे मैं बस मजाक कर रहा हूँ आदित्य, I think everybody now knows I do tend towards Dhruv Rathi's opinion अभी तक, इस last 5-6 महीनों में। मेरे वो भी नेक्स्ट लेवल की थी। किसी ने मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा ये तो पाकिस्तानी है। जाने कितने झूठे इंजाम लगाए गए और कितने ही वीडियोस इन लोगों ने मेरे ऊपर बनाए। जब मैंने वीडियोस बनाने अपने शुरू किए थे, मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि बैकलैश आएगा, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तेलंगाना का एक वीडियो सामने आया जहां बीजेपी के कुछ मेंबर्स प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे कैसे रोका जाए, तो उनमें से एक कहते हैं कि ये ध्रुव राठी, बट ब्रदर मोदी वर्स्ट विन, इट्स ओके, a win is a win। And क्या है मोदी, क्या मोदी यार, इंसान है एक, it's okay, it's very okay। Like अभी मैंने अयोध्या वाला जो जोक किया कि ओ उन्होंने उसको वोट नहीं दिया, मैं मजाक कर रहा हूं, but there are people in comments जो actually hurt है, जो कह रहे हैं, ओ जो मेरा सबसे घटिया मुझे पॉइंट लगता है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, I want to talk about this क्योंकि it's very personal, but yes। हमेशा factually correct होता है, constitutionally हमेशा correct होता है, इसके videos किसी भी YouTube rules को नहीं तोड़ते, तो कैसे कम? नहीं उदित सरकार नहीं, उदित subscribe मारो नीचे, like करो, share करो, YouTuber बनेंगे, हमें politician नहीं बनना, हमें YouTuber बनना है। काउंटर करा जाए इसे। ये जो तो दुनिया के बारे में इस तरह से बात कर रहा है, चलो इनका माता सुनो, डालो मेरा केस सुनो, डालो मुझे मेरे को बारे में जो तो की कंप्लेंट सुनो।
क्या बात, किसी को समझ आया क्या हुआ अभी? किसी को समझ आया क्या बोला गया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पीपल टॉकिंग एंड ध्रुव राठी टॉकिंग. करेक्ट होता है, इसके वीडियोस किसी भी यूट्यूब रूल्स को नहीं तोड़ते, तो कैसे काउंटर करा जाए इसे? ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో ఒక ధ్రువరాటి అనే వారు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుతున్నాడు, వారి చరిత్రను ఇంకా మార్చేస్తున్నాడు. చాలా ఉస్కా పతి ఆకే మారేగా మేరకో ఎంపీ ప్లీజ్ మే ధ్రువ్ కు మే బి దో చాటో కా హి హు మంది లైక్ యూస్ వస్తున్నాయి దాని గురించి మీరు. వాడు యూట్యూబ్ కి కంప్లైంట్స్ ఉంటారు, వాడు యూట్యూబ్ రెగ్యులేషన్స్ కి కరెక్ట్ ఉంటారు. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వాడు అక్కడ ఏదైనా చేర్చాడు చేస్తేనే మనం అని గెలకొచ్చు. వాడు మాట్లాడేది కూడా రాజ్యాంగ బద్దంగా మాట్లాడారు. వాక్య వాట్ దే సెడ్ అగర్ వో ఏక్ బి గల్తీ కర్తా హై వి కెన్ హరాస్ హిమ్. క్యా బోలా? వాట్ ద ఫక్? इसके वीडियोस किसी भी यूट्यूब रूल्स को नहीं तोड़ते, तो कैसे काउंटर करा जाए इसे? ध्रुव राठी इन यूट्यूब हैज बीन टॉकिंग. ध्रुव राठी अने वारु इष्टम वच्चिनट्टु वाडुतुन्नाडु, वारि चरित्रनु इंका ही इज चेंजिंग द हिस्ट्री, ही इज गेटिंग लाख्स ऑफ व्यूज. मार्चेस्तुन्नाडु, चाला मंदि लाख व्यूज वस्तुन्नायि दानि गुरिंचि मीरु. वाडु यूट्यूब की कंप्लायंस उंटारु, वाडु यूट्यूब रेगुलेशंस की करेक्ट उंटारु. अनलेस एंड अंटिल वाडु अक्कड एदैना चेर्चाडु चेस्तेने मनं अनि गेलकोच्चु. वाह क्या बात कही है. देखो देखो दोस्तों, इससे पता चलता है कि कैसे आपके हेटर्स भी सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं. अगर मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं तो कैसे मुझे काउंटर किया जाए? ये क्या? ध्रुव इज जस्ट एंजॉयिंग दिस. ध्रुव इज लाइक कि फैंस है भाई, ऐसे बुरा मत बोलो, मेरे ही फैंस है प्लीज. कहते हैं कि प्लान है इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाओ. झूठी खबरें फैलाओ कि जैसे ध्रुव राठी ने झूठ बोला हो कि प्रधानमंत्री मोदी सनी लियोनी को मंत्री बनाने वाले हैं. सनी लियोनी नेक्स्ट ऑन नरेंद्र मोदी. सौरभ गुड क्वेश्चन. कैबिनेट लो महिला शिशु संक्षेम शाखा का मंत्री का जैसा ध्रुव राठी जब पिंडा एमपी. ये तूने इस वजह से बोला ना? इट्स नॉट सिमरन. मैं तो सिमरन ही पढ़ रहा हूँ बड़ी देर से. सिमन है भाई. क्या यार एमपी, पहले बताना था. हाँ आई थिंक ही नोज हाउ टू टेक इट एंड किसको जवाब नहीं देना. ही ऑल्सो नोज किसका जरा ऐसे हल्का सा, उसने मुझे बुली बोला, उसने ये करा और फिर छोड़ दो उसे, क्योंकि अगर तुम उन्हें इग्नोर करते हो मीन्स दे डोंट एग्जिस्ट, मीन्स दे आर इररिलेवेंट. वाह क्या प्लान बनाया है, यानी कि फेक न्यूज फैलाओ कि ध्रुव राठी ने फेक न्यूज फैलाई है. दोस्तों मैं अक्सर बात करता हूं अपने वीडियोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की. इन लोगों ने वहां भी कसर नहीं छोड़ी, डीप फेक का इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ एक झूठी खबर फैलाने के लिए. किसी ने ये झूठी ऑडियो क्लिप डाली जिसमें मेरी आवाज को इमिटेट करने की कोशिश करी गई. ओहो ये कुछ फिर तेज बोलेगा, रुक जाओ नॉर्मल स्पीड. ए हाइपी वेलकम बैक बडी. We missed you, Hypee. We missed you. Do not say anything stupid or anything that can get me banned. I don't know how this works, but I believe कि तू कुछ तो बोल सकता है जो मेरे को ban करा देगा. Hypee, be nice. But welcome back. ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई कि मैं फोन कॉल पर किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहा था और पैसे मांग रहा था. Don't worry, I'm with you. अब चिंता न करो. I'm warning you, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करेंगे. तुम्हारा पैसा टाइम पे मिलता है? हाँ, मुझे तो यूके से आता है ना, मेरा चैनल क्लियर है. He is no need to defend them on this. No need. I'll call you, मैं बात करता हूँ आपसे. देखो, Clearly fake audio है. ध्रुव राठी इतना तेज बोलता ही नहीं है, बोल ही नहीं सकता वो, उसके बस की नहीं है भाई इतना तेज बोलना. रिप्लाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने फैक्ट दिए हैं. अरे यार सौरभ, उसने फैक्ट नहीं दिए. गो वॉच माई वीडियो एल्विश वाली, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा जब मैं बोलूँगा ना. मैंने एल्विश के लिए वोट करा है बिग बॉस में, हद हो गई है. पर उसने फैक्ट्स नहीं दिए, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला है और बोला है अब तुम जाके आर्टिकल पढ़ लो, और फिर एंड में बोला है आर्टिकल तो देखो कोई भी लिख सकता है. एग्जैक्टली, तेरे दोस्त भी लिख सकते हैं, तेरे साइड वाले भी लिख सकते हैं. सो व्हाट आई वांटेड फ्रॉम हिम एज अ फैन एल्विश से, मैं चाहता था वो आर्टिकल जो भी वो बोल रहा है वो दिखाए, क्योंकि अगर वो दिखाता तो सही रहता. उसने दिखाया कुछ जो मुझे लगा कि हाँ ये लेजिट है, और कुछ मुझे लगा कि लेजिट नहीं है. तो जो उसने दिखाया उसका फुल क्रेडिट है उसको. जैसे उसने कनेक्शन दिखाया था बिटवीन कौन था भाई, ध्रुव राठी और रिपोर्टर, वो रिपोर्टर जिसका टेररिस्ट फंडिंग के साथ
झोलमेल था, तो उसने कनेक्शन दिखाया, लव इट, मुझे फैक्ट्स दिखा, आई लव इट। पर जो उसने बाकी कुछ चीज़ें बोली जो उसने नहीं दिखाया, जो मुझे लगा कि यार दिखा दे, इतना मत काम मत करवा। अ पॉलिटिकल सिचुएशन हीट्स अप एंड हाई पी इन चैट, उदित बी रेडी टू गेट, आई नो आदित, आई नो हाई पी, यार तुम गूगल फेंक रहे हो यार, गूगल ही अच्छा। तो किस हद तक ये चले गए मुझे बदनाम करने के लिए। ऊपर हाँ। से जो रेगुलर वीडियोस इनके आ रहे हैं जहाँ पे मुझे इंसल्ट किया जाता है, कभी कुत्ता बोलकर, कभी कॉकरोच बोलकर, तो कभी बुल। ओ हाँ, मैं भूल गया था, एल्विश गॉट टू, एल्विश वाज लाइक, और वो सिर्फ स्पोक्स पर्सन है, उसकी तो रिसर्च भी कोई और करता है। एंड देन इन द एंड ऑफ हिज वीडियो, मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा इस बंदे का और इस बंदे का, इनकी रिसर्च के बिना मैं ये वीडियो नहीं बना पाता। व्हाट अ ग्रेट पीपल, एंड फुल क्रेडिट टू एल्विश की, अच्छी बात है कि वो डिस्क्लोज कर रहा है कि उसने रिसर्च नहीं करी, उसने किसी और से कराई, एंड ये बहुत अच्छी बात है क्रेडिट देना। पर तू समझ रहा है ना कि जस्ट बिकॉज तूने रिसर्च पूरी खुद नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं है कि तू वो चीज़ें मानता नहीं है या तू वो चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। सेम विद ध्रुव, थोड़ी रिसर्च उसने करी, थोड़ी उसकी टीम ने करी, एंड कंटिन्यू बोलकर। कोई झूठी खबर फैलाता है कि मैंने किसी को मरवा पिटवा दिया, तो कोई झूठी खबर फैलाता है कि मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं लोगों को ट्रोल करता हूं। यस एमपी, दैट हैपेंस, जहां पे बॉट्स भेजे जाते हैं, हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्त। कोई सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई सीक्रेट फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, जो है वो पब्लिकली आपको दिखता है। व्हाट्सएप पर एक पब्लिक चैनल है जिस पर मैं पोस्ट करता हूं ओपनली। दैनिक जागरण जैसा अखबार तक मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाने लगा कि मेरी चाइना से फंडिंग आती है। बताओ जरा, मैं कभी बॉयकॉट चाइना करके वीडियोस बनाता अगर मेरी चाइना से फंडिंग आ रही होती तो? ये वही अखबार है जिसको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में एक्सपोज किया है। इतनी झूठी खबरें छापते हैं ये। एक बार ऐसे ही इन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में भी फेक न्यूज फैलाई थी, खुद हमारी आर्मी ने उस फेक न्यूज को डिबंक किया था। ऐसे ही इस अखबार ने किसानों के बारे में फेक न्यूज फैलाई थी कि किसानों की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इस खबर को छापते वक्त इन्होंने अपने पैरा में यह भी लिख रखा था कि हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसका क्या तुक बना, मतलब फिर खबर छापते ही क्यों जब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ऐसे तो मैं भी कह दूं कि दैनिक जागरण का जो मालिक है वो एक आतंकवादी है, हालांकि इस खबर की। सॉरी ध्रुव बोल रहा है, बट चैट ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यू हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ध्रुव राठी। ओ नो सौरभ, ओहो क्या हो गया सौरभ, इतना हर्ट नहीं होते यार। एंड यू हैव अ हार्ड ऑन फॉर ध्रुव राठी। नॉर्मल रहे। अगर बीजेपी, जितना बीजेपी ने सही काम करा है, आई सपोर्ट देम ब्रो। इनफैक्ट आई डोंट वांट टू से मैंने इस इलेक्शन में किसको वोट दिया, बट पिछली बार आई वोटेड फॉर बीजेपी, एंड दैट्स व्हाई आई वाज पिस्ड, क्योंकि मैंने उससे पहले का काम देख के आई वाज लाइक वाओ यार बीजेपी तो बढ़िया काम कर रही है, एंड मैंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, एंड दैट्स व्हाई आई वाज सो एंग्री, क्योंकि मैंने जिस चीज़ के लिए दिया था वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हुई। उसके बाद ये लोग थोड़ा रिलीजन की साइड आ गए, विच आई वॉजेंट लाइक अ फैन ऑफ, बट हाँ इतना हर्ट नहीं होते। आई बिलीव कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं मोदी जी ने, एंड आई वॉन्ट हिम टू डू दैट। और अभी मेरे को इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अब जो होगा ना, अब बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आई नो कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है। जब वो कम्फर्ट में नहीं होते ना, जब वो लड़ रहे होते हैं तो वो तमीज से लड़ते हैं, वो सब कुछ करके देते हैं। पुष्टि नहीं हो पाई है। नहीं, मेरे बारे में भी तुम लोगों ने यही लिखा है ना, चीन से फंडिंग की आशंका। मैं भी कह देता हूं, जागरण अखबार की पाकिस्तानी आतंकवादी से फंडिंग की आशंका, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसी हरकत इनके ये गोदी यूट्यूबर्स भी करते हैं, कुछ भी। नाइस ध्रुव राठी 1.0। बेबुनियाद आरोप ये मेरे ऊपर लगा देंगे, कहीं से कहीं कोई कनेक्शन जोड़ देंगे और फिर सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ जाती है। भाई इन्होंने तो ये आरोप लगाया है, अब मेरा डिफेंस क्या है? मतलब मैं यही काम रह गया मेरे पास, दिन भर बैठ के इनकी फेक न्यूज को ही बस्ट करते रहो। इधर ये झूठी खबर, उधर वो झूठा आरोप, मतलब हर हफ्ते में इनके झूठे आरोप। एमपी यस, आई स्वेयर ध्रुव के व्लॉग वीडियोस ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं मोदी का सपोर्टर नहीं, मुझे झूठ को सच दिखाने में मतलब है। सौरभ, अगर वो तेरा मतलब है तो आई एम सॉरी टू से, राइट नाउ यू आर नॉट साउंडिंग लाइक दैट, यू आर साउंडिंग वेरी मच लाइक अ हेटर। और ये कोई मैं ऐसे रूडली नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं एज अ भाई बोल रहा हूँ कि
ओपन द होराइजन से लिटिल मोर, जस्ट रीड योर ओन कमेंट से देखो समझ आएगा, ओ यार ये ऐसा भी लग सकता है, ये ऐसा भी लग सकता है, मे बी आई शुड राइट इट इन अ डिफरेंट, लाइक थोड़ा लंबा, कोई भाई तू लंबा मैसेज लिख दे चैट पे, मैं पढ़ूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं पढ़ूंगा, और सब पढ़ेंगे यार, कितने ही लोग हैं। तो का ही जवाब देता रहो। मशहूर लेखक सहादत हसन मंटो की एक लाइन याद आती है, कोठे की एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें से तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तवायफ तो सिर्फ अपने शरीर को बेचती है, ये बिके हुए लोग अपने जमीर को बेचते हैं, अपनी आत्मा को बेचते हैं, अपने देश को बेचते हैं, ये लोगों के मुद्दों की हत्या करते हैं और देश। ओके आई अंडरस्टैंड, ये वीडियो बहुत बढ़िया रही होगी रिजल्ट आने के एक रात पहले, बहुत बढ़िया ये वीडियो रही होगी, बहुत ही इमोशनल, सब लोग ऐसे हो गए होंगे कि यस यस हम हारने वाले हैं, नहीं मतलब ध्रुव सही कह रहा है यार, अपने जमीन बेच दिया इन लोगों ने यार, अपनी दुनिया अपना देश बेच दिया, बढ़िया। पर रिजल्ट आने के बाद सच्चाई दिखाने के बाद जब जनता ने बोला कि अबे हम प्रैंकस्टर हैं, हम बोलेंगे कुछ, हम तुम्हारी रैलियों में जाएंगे, हम नाचेंगे गाएंगे, पर हम करेंगे वही जो हमें सही लगता है, और वही किया। एंड अब मुझे ये वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, आई विश मैंने उसी दिन देख लिया होता, क्योंकि अभी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ध्रुव जो बोल रहा है वो आज की सच्चाई से मैच नहीं करता। और सौरभ दिस इज़ फॉर यू, एक्चुअली ऐसा पर्सनल नहीं जाऊँगा मैं, बट सौरभ क्योंकि अभी है चैट में रविंद्र सिंह, पीपल हु हेट पीपल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे अभी मुझे ये वीडियो इतनी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल गया, सिर्फ दो दिन के अंदर वो वीडियो जो फील देती थी वो फील बदल गई है। तो सोचो जब तुम बोलते हो किसी की पुरानी वीडियो में उसने ऐसा बोल रखा है, फील बदल चुकी है, अगले दिन क्या होने वाला था, उस समय क्या माहौल चल रहा था, उस समय दुनिया में क्या हो रहा था, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि तुम एक वीडियो के लिए कैसा फील करोगे। अभी मुझे ये वीडियो बहुत ही वो लग रही है कि यार चुप कर यार, मतलब क्योंकि ये बोल रहा है ऐसे कि उन्होंने अपना जमीर बेच देते हैं, वो लोग अपना देश बेच, अरे यार हमने कर दिया जो हमें करना था, वी वोटेड एंड एवरीबडी गॉट टू नो, इवन बीजेपी गॉट अ रियलिटी चेक, इंडिया अलायंस गॉट अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट, एंड एवरीवन वाज लाइक ओह थैंक गॉड, बिल्कुल टेक ओवर नहीं हुआ, वी केप्ट इट अ गुड फाइट, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो अब ये फील नहीं आ रही, भाई मैंने मैसेज किया था कम्युनिटी पोस्ट पर, क्या मैसेज किया था मेरे भाई, सौरभ भाई डोंट माइंड उदित तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाएंगे, एक तरफा प्यार ही। सिमन तू किसकी टीम में है मेरे भाई, वोट मैंने दिया था खुद को, दूसरे का रिप्लाई ना दो उसके कोठे क्या वाला बोल दो, उसको फैन बोल दो, काम खत्म हो गया बस। क्या हो गया भाई सौरभ, किसने तेरे को क्या बोल दिया, नाम ले बस ना भाई, तू नाम ले, किसने बोल दिया तेरे को ऐसा, कौन बोल रहा है सौरभ को फालतू, किसमें है दम, आ जाओ जरा, जनता ने दिया कौन अच्छा देश के लिए सबसे बड़ा फैक्ट, हाँ इसके साथ अच्छा, हाँ आकाश तूने दिया था एंड आई सॉ इट, मैंने उसी वजह से देखा कि इसने दिया, फिर मैंने कहा मैं जब लाइव करूंगा तभी देखूंगा, तो इसलिए नाउ वी आर हेयर आफ्टर टू डेज। उस समय यार मैं थका हुआ था रात को, उस समय आई वाज लाइक मैं सोने लगा था जब मैंने वो देखा। ऐसा नहीं है कि ये सब देखकर मुझे कुछ हर्ट फील होता हो, क्योंकि अब इन सब चीजों की आदत हो गई है, लेकिन दुख जरूर होता है, दुख होता है कि ये कैसा कल्चर बना दिया इन्होंने देश में। कहां तो हमारे उपनिषदों में लिखा है कि विचारों को हर दिशा से आने दो, और आज 2024 में ये दैट्स व्हाट शी सेड, विचारों को हर दिशा से आने दो, ऐसे बिहेव करते हैं कि अगर आपका पॉलिटिकल ओपिनियन इनसे अलग हो जाए तो आप इनके लिए जानी दुश्मन की तरह बन जाते हो। एक डेस्परेशन है इनकी तरफ से कि अगर किसी का विचार इनसे नहीं मिलता हो तो उसे किसी ना किसी तरीके से देशद्रोही दिखा दो, फॉरेन फंडेड दिखा दो। कई बारी तो मुझे बड़ा अनरियल सा लगता है ये सब देखकर। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो,
लेकिन सच बात पता है क्या है दोस्तों, आपकी तरफ से इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट मुझे मिला कि इनकी कोई भी झूठ की दुकान टिक नहीं पाई। हर रोज के मुझे हजारों मैसेजेस मिले, ईमेल्स मिली, किसी ने आप में से मेरी पेंटिंग बना दी, किसी ने कोई गाना ही बना डाला। लाखों लोगों का लव। ध्रुव भाई नहीं दिखाना था वो गाना, इतना अच्छा नहीं था वो गाना। उदित भाई, आई एम योर अमित शाह, आई नीड अमित शाह डूड, एवरीबडी नीड्स एन अमित शाह। ओके उदित, मैं तुम्हारी साइड हूँ, लेकिन सौरभ अकेला है एमपी और मैं होगा, तो सौरभ को हमारे गठबंधन में ले लेंगे। अच्छा, मैं सौरभ की साइड से लड़ने जाऊंगा और फिर सौरभ तू और एमपी मेरे को मारो। वाह वाह, ये तो देश है हमारा, देशद्रोही, सॉरी चैनल द्रोही। और रिस्पेक्ट मिला, लोगों ने एडिट्स बनाए, किसी ने मुझे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा, किसी ने रेवोल्यूशनरी कहा, इसलिए क्रिप्टो। हाँ ओ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था एल्विश का, क्रिप्टो करेंसी तो आई कैन नॉट एवर, भाई मैं माफ ही नहीं कर सकता किसी यूट्यूबर की वजह से। अगर किसी ने क्रिप्टो में पैसा लगाया और डूबा हो ना, तो लानत है भाई यूट्यूबर पे, आई एम सॉरी यूट्यूबर, वो हम नहीं कर सकते। और ये सिटीजन, अगर आजकल ये चल रहा था पीछे थोड़े टाइम तक, तो कि अगर तुम कुछ भी बोल दो तो तुम एंटी नेशनल, विच वॉज ऑल्सो जिसकी वजह से ये वोटिंग रिजल्ट आया, ये किसी को नहीं पसंद, सबको दिख रहा था कि बताऊंगा। आपके इन लाखों कॉम्प्लीमेंट्स के बीच गोदी इकोसिस्टम के सभी अटैक्स फेल रहे हैं। चरण वंदना करने वाले लोग एमपी भाई क्या होता है यार, डेली बेसिस पर अपनी बदतमीजी का सबूत देते रहे और हम देश के मुद्दों पर बात करते रहे, बेरोजगारी पर वीडियोस बनाए, किसानों के मुद्दे उठाए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर बात करी, फार्मा स्कैम की बात करी, खाने में डलने वाले मसालों की बात करी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चारों डिपार्टमेंट्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसी तरह से हमारा मिशन 100 करोड़ चलता रहा। ये मेरे अकेले का मिशन नहीं था, ये हम सब का मिशन था, हर एक उस भारतीय का मिशन है जो देश की फिक्र करता है, जो देश को बेहतर बनते हुए देखना चाहता है, जो आम लोगों के बेहतर भविष्य की फिक्र करता है। और कल चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन कोई भी हमसे ये एहसास नहीं छीन सकता। इस एहसास को इस वीडियो में सहजने की मुझे जरूरत महसूस हुई, लगा कि इसे डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, ताकि जब भी दुनिया में किसी देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा हो और देश के लोगों को जब भी हिम्मत चाहिए हो, तो हमारी ये दास्ता उनके लिए एक प्रेरणा बन सके। और वैसे दूसरों के लिए ही क्यों, ये दास्ता हमारे लिए भी तो एक प्रेरणा है, ये संघर्ष हमारा खत्म नहीं हुआ है। क्या पता कल के चुनाव के नतीजों में बीजेपी वाकई 350-400 सीट जीत जाए। देख रहे हो, फटी तो ध्रुव की भी हुई थी, ध्रुव को भी भरोसा नहीं था कि उसने कुछ उखाड़ा है जाए, और प्रधानमंत्री देश को तानाशाही की दिशा में ही आगे बढ़ाते रहे, तब क्या करेंगे, प्रेरणा लेंगे अभी तक के इस सफर से, इस वीडियो से, और कोशिश को जारी रखेंगे। और अगर कल इंडिया अलायंस की भी जीत हुई, तब भी ये सिलसिला थमेगा नहीं, क्योंकि इतना तो है कि देश में ध्रुवीकरण कम होगा, तानाशाही के काले बादल छट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा। गुड पॉइंट। अब सौरभ, हाउ कैन यू नॉट बिलीव दिस, ही हैज डन दिस बिफोर, उसने आपके अगेंस्ट बोला हुआ है पहले वीडियोज में, एंड ही सेइंग द सेम थिंग, अगर इंडिया अलायंस भी जीतता है, अगर वो कुछ छुपाएंगे, अगर वो झूठ बोलेंगे, अगर वो मीडिया खरीदेंगे, अगर वो हरकतें करेंगे, तो बोलेंगे भाई, क्योंकि देखो बात इतनी है, औकात सबकी दिखाई जाएगी, जो खेलेगा उसकी एक औकात दिखाई जाएगी भाई। ये टाइम के साथ ध्रुव को पता चल गया कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है, क्या बोलना है। मे बी सौरभ, हो सकता है। किसी ने एक बार कमेंट्स में पूछा था कि अगर कल को इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो क्या मैं तब भी आवाज उठाऊंगा। ऑब्वियसली मैं, भाई आकाश, मैं ये सट्टेबाजी नहीं करता, सट्टों में नहीं पड़ता भाई, मैं उठाऊंगा, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जब तक देश स्वर्ग नहीं बन जाता, तब तक सुधार का स्कोप हमेशा है, तब तक आवाज उठानी बनती है, और जब सब ठीक भी हो जाए, तब भी नजर बनाए रखनी पड़ती है, यही लोकतंत्र है। और वैसे अभी तो बहुत 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 कुछ सुधारना बचा है,
कहां हम सपने देखते हैं देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की, लेकिन पिछले 10 सालों में हालत ये हो गई कि कुछ लोग पाकिस्तान से कंपैरिजन करने लगे। राजनीति में ईमानदार और शरीफ नेताओं की कमी है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी का इशू है, पॉल्यूशन एक मेजर समस्या है। सभी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते रहना होगा, जो भी सरकार हो उनसे जवाब मांगते रहना होगा। मैं एक ऐसा देश देखना चाहता हूँ, एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ पर हर इंसान साफ हवा में सांस ले, साफ पानी पिए, हर इंसान को ऊपर उठने का मौका मिले, कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो, किसी की आवाज को नीचे दबाया ना जाए। एक भाई इतना स्लो बोल रहा है, मेरे को लगा मैंने खुली आंखों से झपकी ले ली। एक इसको पीएम बनाओ राहुल की जगह, लेकिन ये तो इंडियन है ही नहीं। अक्षय कुमार जब मोदी की इंटरव्यू ले रहा था, आप आम खाते हैं आम? तब वो कैनेडियन सिटीजन था, वो तो अभी लोगों ने उसके पीछे हल्ला करा है तो उसने इंडियन सिटीजनशिप ली है। इट्स ओके, इट हैपेंस सौरभ। इतना ऐसे क्या करा है ध्रुव ने तेरे साथ? क्या करा है मेरे भाई ध्रुव ने? ऐसा क्या करा है तेरे? तुम्हें को बता, हम जाएंगे ध्रुव को पीट के आएंगे भाई। वो किसी भी देश में हो, कहीं भी छुपा हो, किसी भी कोने में, मैं तू एमपी और सिमन जाएंगे, कूट के आएंगे उसको कि तू बता तूने सौरभ के साथ ये कर कैसे दिया, तू बस बता उसने किया क्या है। ऐसी दुनिया जो हर इंसान हर पशु पक्षी के लिए जीने लायक हो। औकात वर्ड सही नहीं है भाई, मीम वाले यूज करो, लेवल सबके निकले। पॉल्यूशन का इशू मोस्टली दिल्ली में है। नहीं भाई, एसिड पोल्यूशन तो देश दुनिया का इशू है ना, वो भी कॉज स्टेबल बर्निंग इन आई। ओहो तुम लोग तो बिल्कुल ही। क्या धरती पर एक स्वर्ग बनाना मुमकिन है? मुझे नहीं पता, मैं बस सही कर्म करने पर ध्यान दूंगा, फल पर ऑब्सेस्ड। क्या भाई आपको पता है आलिया भट्ट इंग्लैंड सिटीजन है? वो चुईया सी। मुझे नितिन गडकरी बना दो, आई लव हिम। मैं रोड बनाता जाऊंगा, मजा देता जाऊं। रोड बनाने तक सही है, मजा क्या देता जाएगा भाई? क्या हो गया? नहीं चाहिए, कंसेंट लो पहले मजा देने से पहले। आप सॉरी भाई सिटीजन क्या बोले, आप सिटीजन क्या बोले, सिटीजन का कमेंट पढ़ो भाई। ही इज ऑलरेडी टोल्ड बिफोर दैट ही, ये तो मैं बोल चुका हूँ, हद हो गई। नहीं होंगे, ये दौर देश की लड़कियों और औरतों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश को बचाने के इस संघर्ष में कितनी सारी वुमेन जर्नलिस्ट ने जमकर भाग लिया। पूनम अग्रवाल, मनीषा पांडे, निधि सुरेश, आरफा खानम शेरवानी, फेड डिसूजा, मीना कोटवाल, सर्फप्रिय सांगवान, प्रज्ञा मिश्रा, फातिमा खान, मीरा देवी, कुमकुम बिनवाल और भी जाने कितनी सारी जर्नलिस्ट, केवल मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड लोकल रिपोर्टर्स भी। पत्रकारों के अलावा वुमेन इन्फ्लुएंसर्स ने भी एक अहम रोल निभाया। डॉक्टर मेडूसा, रैंटिंग गोला, कबीरान, गरिमा, नेहा सिंह राठौड़, किसी ने जोशीले अंदाज में अपनी बात रखी तो किसी ने सैटायर में, तो किसी ने गाकर। जो ऑन ग्राउंड पब्लिक रिएक्शन वीडियोस होते हैं उनमें कितनी ही औरतें बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती हुई दिखाई दी। पापा में नौकरी क्यों नहीं देते? अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर सकते हैं, मोदी जी के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या है? जब कोई महिला इस तरह से देश की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेती है, उसके पर्सनल राइट्स ऑटोमेटिकली उसे मिल जाते हैं। वो किसी से फ्रीडम मांगती नहीं है बल्कि संविधान द्वारा दी गई फ्रीडम को खुद से रिक्लेम कर लेती है। बहुत बढ़िया। जय भीम फिल्म का ये जो आखिरी सीन है, इसी तरीके से देश की हर एक लड़की और औरत को अखबार उठा लेना चाहिए। बहुत हो चुका ये हनी सिंह टाइप के गानों से इन्फ्लुएंस होकर खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना, एक ऐसे इंसान की तरह देखना जो केवल सजना सवरना जा। कहां चला गया मेरे भाई? ये किस टेंजेंट पे चले गए आप? कोई सुन रहा है ध्रुव को? यहाँ कोई सुन रहा है ध्रुव को? वो क्या बोल गया, कहाँ चला गया? या मैं अकेला अपने कान साड़ रहा हूं? सही बोल रहा है पर इधर क्यों बोल रहा है? इट्स अ थैंक यू वीडियो तो ठीक है, चल थैंक यू वीडियो है यार। अमता हो, बहुत हो चुका ये शॉपिंग लवर वाला जो लेबल है, कोई गर्व की बात नहीं है इसमें, बहुत हो चुके ये।
लगता है भाभी ज्यादा खर्चा करा रही थी, ये स्पेशल मैसेज दिया है उसने कि ये आप खुद को शॉपिंग लवर वाला टैग देना बंद करें, ये आपको डिमीन कर रहा है, आप ऐसा मत करें प्लीज। औरतें प्लीज ऐसा मत करें, औरतें प्लीज, मेरे घर पे असर पड़ रहा है आपके इस टैग की, आप ये टैग हटा दें, आप इस टैग को अनकूल कर दें प्लीज। स्टीरियोटाइप्स की लड़कियां पॉलिटिक्स को नहीं समझती। अब बाहर निकलिए इस कोकून से। याद रखिए कि इसी दुनिया में एक डाफने गैलिजिया थी जिन्होंने पनामा पेपर्स के जरिए पूरी दुनिया के करप्ट लोगों को एक्सपोज कर दिया और अपनी पत्रकारिता करते हुए शहीद हो गए। लेकिन बात यहां सिर्फ औरतों की नहीं है। रवीश कुमार, आकाश बैनर्जी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे कई, अब देखो अब ये भाई जो है, अब ये भाई हर उस बंदे का नाम ले रहे हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं। थोड़ा गलत है, नहीं गलत नहीं है, जैसे एक शाउट आउट दे रहा है ठीक है, पर दैट्स लाइक सेइंग कि जो लोग मेरे वाले सेम पॉइंट्स रखते हैं वो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एंड देन ही डजंट मेंशन वो लोग जो शायद इससे थोड़ा अलग बोल रहे हो पर वो भी इंडिपेंडेंट ही हों, यू नो, बस उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हों, काइंड ऑफ वैसा। आज सब कुछ व्यूज का खेल है, जिसके व्यू ज़्यादा हैं उसको लोग चाटने लगते हैं चाहे वो गलत ही हो। फैक्चुअल वीडियो तो असली नीतीश राजपूत बनाता है, उसको इतना सपोर्ट नहीं मिलता। नीतीश राजपूत की भी देखते हैं वीडियो खोलते हैं। सिमन, नीतीश भाई विल बी द नेक्स्ट वन टू कम इन आर सरकार। पत्रकारों ने संघर्ष किया सच दिखाने का। अर्पित शर्मा और मुकेश मोहन जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी हिम्मत दिखाई आवाज उठाने की, लेकिन आप फिर भी शायद सोचो कि आप अकेले क्या कर सकते हो। कई बार बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं, कुछ लोग हेल्पलेसनेस जताते हैं कि वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। आप में से कईयों ने पूछा कि मैं सौरभ, कांग्रेस के तो बैंक सीज कर लिए भाई, वो कैसे खरीदेंगे मीडिया, उनको तो कंगाल कर दिया, which is not that bad, but ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए? मैं यहाँ पर कहूँगा कि देश के लिए कुछ करने की बजाय सभी कुछ देश के लिए क्यों नहीं किया जाए? पहली बात, अपनी communal casteist misogyny। ये क्या है? मस्ती सरकार manifesto। Support to Udit भाई। मेरा वोट तुम्हारे साथ है भाइयों। Free of subscription। Free दारू। On it, free automatic, death sentence to edgy, क्या हो गया? Acid, acid started really nice, acid started, wow, क्या हो गया acid, क्या हो, मेरा दिल वो read करते हुए जो धक धक हुआ है। जिनिस्ट क्लासिस सोच का इलाज करें अगर आपकी वैसी सोच है तो। फिर कई वीडियोस में मैंने बताया है कि हमें वोकल फॉर लोकल को एक जुमले की जगह हकीकत बनाना होगा। कोशिश करें खाने का सामान जितना सीधा किसान से खरीदा जा सके उतना ही बेहतर है। इसी तरीके से आप कपड़ों को या घर के डेकोरेशन आइटम्स को जितना लोकली खरीदे उतना बेहतर है। इससे जो यस सिटीजन यूजिंग लाइक रिलीजन इतना ज्यादा, आई थिंक थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा। अगर मैं, जैसे मेरे मुंह से बहुत बार निकल जाता है वाहेगुरु, जैसे मैं छींक मारता हूँ या मैं कभी कहीं लग जाती है मुझे तो मुंह से निकल जाता है, उतना ठीक है कि तुम नेचुरल, तुम जिसमें बिलीव करते हो तुम उसकी बात कर रहे हो कि ओ मैंने ये पढ़ा और इसमें ऐसा लिखा था, इससे मैंने ये सीखा, बहुत सही है। और उसको इतना ज़्यादा इन्होंने यूज़ करा कि वो लोगों को चुभने लगा, एज इन कि ऐसा लगने लगा कि जैसे उन्होंने कुछ और करा ही नहीं इसके अलावा, तो इसलिए उनको वोट नहीं मिले। अमीर गरीब के बीच वेल्थ इनइक्वालिटी है वो कम होगी। अपने घर से जब निकले तो हमेशा एक वाटर बॉटल अपने साथ लेकर चले ताकि प्लास्टिक यूजेज को कम कर सके, गंदगी ना फैलाएं, अपने आसपास पौधे और पेड़ लगाएं, उनका रख रखाव करें, हर एक चुनाव में वोट करें। इस बार की चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं देखी गई, बहुत सी जगहों पर पोलिंग ऑफिसर्स रात को 2-3 बजे तक। ये सडनली ये क्या हुआ? एनवायरनमेंट बहुत बुरा, प्लास्टिक बहुत बढ़ गया है, धूल उठती है हर जगह, वोटिंग में कोई लोग गए नहीं क्योंकि पुलिस वाले उनको पीट रहे थे, क्या हो रहा है ये? ध्रुव राठी आप प्लीज खत्म करें ये वीडियो, मैं थक गया आपसे अब तक। अपने घर पहुंच पाए,
क्या ये सब एफिशिएंट तरीके से नहीं हो सकता था? जरूर हो सकता था। इस इनएफिशिएंसी के अलावा ऐसे कई इंस्टेंसेस देखे गए जहां पर इलेक्शंस फ्री और फेयर ना होने के सवाल उठाए गए। मणिपुर में, उत्तर प्रदेश के संबल में, सूरत और इंदौर जैसी कई जगहों पर प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करी गई। एक के बाद एक भाषण में इवन प्रधानमंत्री ने बार बार धर्म के नाम पर हेट स्पीच फैलाई अपने भाषणों में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया। इस चुनावी प्रक्रिया को फ्री और फेयर करने के लिए जो आवाज उठाने की जरूरत है, जिस आंदोलन की जरूरत है, वो यस एमपी आई एग्री। अगर वो नहीं करते ना रिलीजन वाली लड़ाई, कोई और कंपटीशन नहीं था बीजेपी का। बीजेपी का इतना कम होता है ना अपने 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 पैर पे कुल्हाड़ी मारना, दैट वाज ऑल बीजेपी डूइंग। आई डोंट थिंक ध्रुव राठी से कोई फर्क पड़ा, आई डोंट थिंक किसी भी और चीज से कोई फर्क पड़ा। फर्क पड़ा जो हरकतें बीजेपी ने करी, कांग्रेस के पैसे रुकवा देना, केजरीवाल को जेल भेजना और हेट स्पीच फैलाना, हर जगह उल्टी सीधे पोस्टर्स लगाना जो लग रहे थे, और व्हाट्सएप पे जो वो भेज रहे थे, जो चीज़ें छुपाई जा रही थी, और मोदी जी का एक्सपोजर इतना होना कि वो हर जगह जाके स्पीच दे रहे हैं, बैकफायर्ड। क्योंकि जितना वो कम बोलते हैं ना, देखो मैं बताता हूँ, जितना तुम नोटिस करना, जितना भी मोदी जी के बारे में बोला जाता है ना उससे वो बड़े होते हैं, पर जितनी बार मोदी जी खुद बोलते हैं ना वो थोड़ा सा ऐसे नीचे हो जाते हैं, क्योंकि द मोर एक्सपोजर यू गेट ऑफ समबडी तुम्हें उनका सच और दिखना शुरू हो जाता है। हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर हर पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए तभी इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ उन्हीं प्रोफेशंस में सीमित नहीं है, ये बात हर प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल है। जो भी आप काम करते हो उसे अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। टीचर्स बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, हर एक आईएएस ऑफिसर रौब झाड़ने के बजाय खुद को जन सेवक की तरह देखें, ईमानदारी से जनता के लिए काम करें। पुलिस वाले क्राइम को रोकने के लिए कमिटेड हों, फिल्म मेकर एनिमल जैसी क्रिंज फिल्में बनाने की बजाय मीनिंगफुल फिल्में बनाएं। अगर आप एक रेस्टोरेंट या ढाबा चलाते हैं तो लोगों को हेल्दी और टेस्टी खाना खिलाएं, ताकि लोगों की सेहत का नुकसान ना हो और उन्हें मजा भी आए और देश का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़े। सभी लोग अगर अपना प्रोफेशन देश में ईमानदारी से करने लगे तो देश अपने आप स्वर्ग बन जाएगा, और ये काम हम में से हर किसी को करना होगा। आगे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, उनकी बात टाइम आने पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगा। धन्यवाद और जय हिंद। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये पत्थरों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आप कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर तू जिंदा। चलो इससे पहले कॉपीराइट पड़े मेरे मुंह पे चांटे की तरह, हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहे हो तुम लोग? हाउ वॉज इट? आई थिंक इट वॉज अ लॉट ऑफ, इट वॉजेंट अ रिस्पॉन्स। मुझे लग रहा था ही वुड मेक अ रिस्पॉन्स वीडियो, उसने वो नहीं बनाई। इट वॉज मोर ऑफ अ जो जर्नी उसकी रही ये इस इलेक्शन में अपनी वीडियो बनाते हुए, इट वॉज मोर लाइक हमने ये करा और हम आगे ये भी करेंगे, पर अभी जो हुआ वो हुआ, हमने अपनी कोशिश करी, फलाना ढिमकाना, बीच में वो मैं बीच में वो फ्रीडम फाइटर भी था, बीच में वो फीमेल फेमिनिस्ट भी था, वो वुमेन्स एम्पावरमेंट राइट वाला भी था। इट वॉज अ लॉट ऑफ नथिंग। और हाँ, बीच में एनिमल मूवी क्यों पेली गई बिना बात के? ओनली राम मंदिर वॉज इनफ। हाँ, माइनॉरिटी बैकफायर्ड, यस, राम मंदिर वॉज अ ग्रेट थिंग टू डू एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन इनफ। Oh, I did a great job. Thank you, citizen. I tried to be neutral, but I tried to be fair. क्योंकि अगर मैंने एलविश के साथ ज़्यादा बुरा बोला हो तो मैं ध्रुव को भी बोलूँगा, चाहे मैं अपने तरफ से गलतियाँ निकालूँ या मैं कुछ भी करूँ, आई विल। क्योंकि ऑनेस्टली एज अ यूट्यूबर मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी और यूट्यूबर को लेट डाउन करूँ, क्योंकि मैंने जो एक वीडियो बनाई थी पहले उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि ओ तू ट्रिगर इंसान को ऐसा बुरा बुरा बोल रहा है। मैं बुरा नहीं बोला था उसमें भी, मैंने बस पॉइंट रखा था कि मेरे टाइप का कंटेंट नहीं है, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था कि लोगों को लग रहा है मैं दूसरे यूट्यूबर्स को नीचा दिखा रहा हूँ, वो मैं नहीं करना चाहता कभी। डब्ल्यू भाई, उदित भाई, रिस्पेक्टिंग राम मंदिर, मच रिस्पेक्ट राम मंदिर। मैं हूँ कौन राम मंदिर को ना रिस्पेक्ट करने वाला? भाई रिप्लाई की तरह एल्विस ने सही बोला कि रिप्लाई नहीं करता है। हाँ यार, एल्विश ने बहुत सही बोला यार। आई थिंक एल्विश
मेरे हिसाब से सच बोल रहा था अपनी वीडियो में कि उसने बोला ये रिप्लाई नहीं करेगा, इसने बोला वो फैक्ट्स क्लियर नहीं है, उसने बोला आर्टिकल गलत है, और गलत है भाई, सही कह रहा है एल्विश, सही कह रहा था। नहीं भाई, नॉट लॉट ऑफ नथिंग वुमेन टेकिंग स्टैंड स्पीकिंग आउट, हाँ हाँ, इट मैटर्स, इट मैटर्स। आई एम सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ही आई वॉज होपिंग कि ही विल से, आई एम नॉट सेइंग वो सब मैटर नहीं करता, दैट ऑल मैटर्स, बट ध्रुव क्या कर लेगा, यू नो, एंड आई होप मेरी ये बात सुन के वो कुछ कर ही ले। हाँ, थिंग्स हैपेंड इन मणिपुर एंड ऑल, दैट इज इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता भाई, देखो मैं गुस्सा नहीं होता, इज जस्ट मैं ना सेम चीज सुन रहा हूँ अब तेरे से, तो सब ऐसा कुछ, तू भी ना कोई पॉइंट नहीं रख रहा सौरभ, आई वुड लव कि तू कोई पॉइंट रखे और मैं तेरा साथ दूँ, तू बस बोल रहा है कि एल्विस सही क्योंकि क्योंकि इसने कोई पॉइंट नहीं रखा, बट जो पॉइंट ये रखता है वो सच होते हैं, वो ऐसे झूठे नहीं होते, वो मैंने देखे होते हैं, वो वीडियोज जो ये दिखाता है वो मैंने देखी होती हैं, है ना, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ, जो एल्विस दिखाता है ना मैंने देखा होता है ना कुछ, और जब मैंने बोला कि मुझे ये वीडियो लग रही है एआई से बनी हुई, इट टर्न्स आउट वो वीडियो बनी हुई थी एआई से बनी हुई, ओ माय गॉड, एल्विस का सच कितना बड़ा है भाई, अरे भाई नहीं कर रहा क्लोज विजन, सॉरी भाई, देशभक्त का वीडियो देखो पार्ट 4 लेटेस्ट न्यू कंट्रोवर्सी, भाई यार मेरे को पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोवर्सी और नहीं कवर करनी यार, देशभक्त क्या है, देशभक्त क्या करता है देशभक्त, ओहो एक ये बंदा, कौन सी वाली है इसकी, मेरे को नहीं देखना इस बंदे को, मुझे इस बंदे का चेहरा नहीं पसंद, आई एम सॉरी दैट इज मीन, मुझे अभी मन नहीं कर रहा वीडियो देखने का, मुझे मुझे मन नहीं कर रहा वीडियो देखने का, सॉरी 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 सॉरी, मैंने वो नहीं बोला जो तुमने सुना, मैंने नहीं बोला, उदित यू आर रॉन्ग, ये रिप्लाई किया ही बोला है पिल्ला बोलो, हाँ मैं आई एम सेइंग कि उसने उस वे में रिप्लाई नहीं किया, जैसे इन्होंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई एंड वर्ड लाइक कि तूने ये, मतलब उन्होंने भी ये नहीं करा, बट व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्ट, नॉट डिस्ट्रैक्ट बट लाइक कि उसका एक पॉइंट उठाए कि तूने बोला ये हुआ है ये नहीं हुआ है, तूने बोला मैं आपके लिए काम करता था मैं नहीं करता था, बट ये करता था तो ये नहीं बोल सकता, सो इसको बोल देना चाहिए, आई थिंक इसको बोल देना चाहिए यार, हाँ मैं पहले इंटर्न करता था, भाई अपन भी बेरोजगार थे, कॉलेज से निकले थे, हमें भी इंटर्नशिप करनी थी, हमने कर दी, हम हमेशा से उसी साइड लीन करते थे, बोल दे भाई क्या हो गया, वो गलत है। इलेक्शन देख के मजा आया पूरा सिनेमा, आई स्वेयर भाई लूफी भाई, इलेक्शन वॉज फन, मैं ना डांस करता हूँ, तो मैं डांस स्टूडियो गया हुआ था, डांस स्टूडियो के ऑफिस में इलेक्शन चल रहा है, मतलब ऐसे लैपटॉप पे न्यूज़ चल रही है और हम लाइव पोल देख रहे हैं, इन बिटवीन द डांस वाला पूरा वर्क वॉज हैपनिंग, ब्रो डोंट यू थिंक जस्ट लाइक पीपल गेट मणिपुर लद्दाख इन माइंड, उसी तरह संदेश खाली भी ध्यान रखना चाहिए था, I have to search संदेश खाली क्या है, सॉरी मैं I'm gonna be honest, मैं भी तुम्हारे साथ ही सीख रहा हूँ, फाइट फॉर रिस्पेक्ट, what is this? BJP's बसीरत कंसिस्टुएंसी कैंडिडेट रेखा पत्रा said, anybody explain me? एक बात तो सच है कि opposition अगर गलत करता है तो पूरा मीडिया तो पीछे पड़ जाते हैं, हाँ ये होता है, अगर He did BBA. Yes, I did BBA. Bro, did you study philosophy in college? Your points were very profound.
सिटीजन मैं ना रुक जाओ, कोई कोई मैसेज नहीं करेगा, मैं सिटीजन वाले कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लूं, मेरा दिल आ गया इस कमेंट पे। नो मैंने बीबीए करी है ब्रो, डजंट नो सर, सी व्हाट हैज लेफ्ट डन इन इन दिस ब्रेन वॉशिंग। इट्स नॉट ब्रेन वॉशिंग, मीडिया ने भी तो नहीं दिखाया ना। आई वॉन्ट टू नो, टेल मी, इट्स ब्रेन वॉशिंग अगर कोई मुझे बोले, जैसे वो अभी नहीं हुआ कि इलेक्ट्रल वॉल गलत नहीं है और ये स्कैम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्कैम नहीं बोला तो तुम भी नहीं बोल सकते। वो होती है ब्रेन वॉशिंग। ध्रुव ने अपनी चीजें कवर नहीं करी, वो गलत है, पर वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है, वो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, व्हाटएवर मुझे नहीं पता है। ध्रुव डिड इट एंड दैट इज रॉन्ग, दैट शुड बी द पॉइंट। ये एसेट जो तू मुझे बोल रहा है, मेक अ वीडियो ऑन ध्रुव राठी, दिस इज अ वैलिड पॉइंट फॉर ध्रुव राठी कि भाई अगर तू कवर कर रहा है सब तो सब कवर कर, दैट इज अ वैलिड पॉइंट जो एल्विश को बोलना चाहिए था, जो अभी एंड न्यू को बोलना चाहिए था। मीडिया ने दिखाया भाई, आपने नहीं देखा। वेल मैं मीडिया पे इतना ट्रस्ट नहीं करता टू वॉच इट। भाई मैं कुछ लेडीज वुमेन वेलफेयर के अपर के ऊपर केस किया है कि वो लोग ब्लैंक पेपर में साइन करके लिए थे घर देंगे बोल के। अच्छा, और फिर उन्हें नहीं दिया। ये लो भाई फैक्ट, मणिपुर पे वीडियो बनाया गया कन्हैयालाल मैटर में। वीडियो कहाँ है? कश्मीर पंडितों के साथ हुआ है उसके वीडियो कहाँ है? मैं नहीं बता सकता, ध्रुव से पूछो। लेकिन ध्रुव से पूछो भाई, आपको नीट दो रिजल्ट का पता है नया कल? मुझे पता है आकाश, लेकिन दो मिनट, वी आर टॉकिंग अबाउट संदेश खाली। बट फिर वो क्रॉस चेक होना चाहिए और पूरी रियलिटी संदेश खाली का आना चाहिए। सिमरन दो मिनट, उसके बाद हुआ क्या? उन्होंने बोला साइन कराए ब्लैंक पेपर पे और बोला कि घर देंगे, और उसके बाद नहीं दिया या उनका कुछ ले भी लिया उनसे? क्योंकि ब्लैंक पेपर पे साइन यू कैन डू एनीथिंग।